डीपीएस डीपीएस बारामला हमें ये चीज सिखा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, हमें चेरिश करना चाहिए, जैसे इन्होंने बोला हमें चेरिश करना चाहिए अपने कल्चर को। तो एज सर हम लोग डीपीएस बारामला इस कल्चर को चेरिश कर रहे हैं एंड हम लोग भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आपने कभी देखा है? नहीं, कभी भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा है? नहीं। एंड मैंने सर को बोला कि प्लीज मुझे सिखाइए क्योंकि मुझे भी बनाना सीखना है। ये कैंप सबसे बेस्ट कैंप है जो मैं आज तक गया हूँ। तो ऐसा कैंप लगना चाहिए? हाँ, बहुत बार। कितना एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। इसके बाद बच्चे जब अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, अपने आप को संभालना होता है, तो जो सेल्फ रिलायंस का सेंस है वो हम अर्ली एज से डेवलप करना चाहते हैं। अपने पेरेंट्स से बाहर अलग कभी रहे ही नहीं, तो उनकी पर्सनैलिटी में ये जो चीज है, ये जो खासियत है, ये जो स्ट्रेंथ है, तो इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो इन चीजों को क्रिएट करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक मेगा प्लेटफॉर्म है। हमारे यहाँ है एडवेंचरस एक्टिविटीज भी है, अम्यूजमेंट भी है, तो हमारा कितना अच्छा, बच्चों को एंटरटेन भी करना है, बच्चों को एजुकेट भी करना है और मैच्योरिटी भी इम्पार्ट करना है। और मोबाइल से जो आपकी नजरों को या जो आपके दिमाग को जो खुराक मिलती है, वो खुराक कहीं और से आपको मिले तो ऑब्वियसली मोबाइल से आप कट जाएंगे। खासकर छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, आप देख रहे हैं, ये भी कैंप में रात को इधर ही थे, खासकर डीपीएस स्कूल में। तो बच्चों कैसा लगा? मम्मी पापा की याद मत आ रही थी? सच बोलो, सच। तो ऐसा कैंप लगना चाहिए स्कूल में एक बार? Yes. साल में एक बार होना चाहिए ऐसा कैंप? Yes. अच्छा, आपको पता है आज क्या चल रहा है डीपीएस? समर कैंप चल रहा है, समर कैंप 2.0 चल रहा है। कैसा मजा है समर कैंप में? समर कैंप में बहुत मजा आता है हमें। तो हर साल ये कैंप लगना चाहिए? हर साल ये कैंप लगना चाहिए, मैं तो बोलो हर महीने लगना चाहिए। इससे क्या फायदा है? मुझे एक फायदा, ये फायदा है कि हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है, अपने ऊपर मतलब डिपेंड रहते हैं, कोई चीज घूम जाए वो उनका ख्याल रखना सीखते हैं, हम बहुत चीजें। और जो चीज आपको घर में मम्मी पापा कराते हैं वो आप यहाँ खुद करते हैं। तो बच्चों कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मम्मा पापा के बगैर आज आप डीपीएस में हो तो कैसा लग रहा है? ऐसा कैंप होना चाहिए साल में एक बार? दिस इज आवर फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल बारामला। Well, sharing my experience with you is like, I would like to say that the camp that our school has organized has a lot to give us, because such activities that our school has provided us, we might never experience in life again, because life is a rat race. Life might never give you a chance again. If life is giving you a chance, take it and enjoy it. With full enthusiasm, you will get back into your academics. And This camp has a lot, as I said, this has a lot to give us. Like, you would become independent. You are all responsible for yourself. Nobody is going to be responsible for such things that you are doing inside the campus. Great experience for us, for all of us. And we had a lot of fun here. Even teachers, they were so cooperative with us. They enjoyed with us. So it was such a great experience for us. Even the food, it was so tasty. It was so great. And हमें भी पता चलता है कि हमें कितना मतलब कैसे हम अकेले रह सकते हैं, अकेले माँ बाप के बगैर किस तरीके से हम रह सकते हैं, किस तरीके से हम सस्टेन करते हैं, हाउ वी बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। सो दिस काइंड ऑफ कैंप इज रियली रियली नेसेसरी, इट बिकम्स रियली लाइक इम्पॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर आवर लाइफ, इट बिकम्स लाइक द बेस्ट मेमोरीज ऑफ आवर लाइफ। ये कैंप जरूरी होना चाहिए, साल में एक बार स्कूल में लगना चाहिए? जरूरी, बिल्कुल लगना चाहिए। लाइक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बिकॉज हर एक चीज हमारे पढ़ाई एजुकेशन में सिर्फ इतना ही नहीं आता, एजुकेशन आपको मॉरली हर एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी शेप करता है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लाइक दीज काइंड ऑफ एडवेंचरस गेम्स दैट हैव बीन प्रेजेंटेड हियर। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू लाइक गो एंड मिक्स अप विद डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड खासकर आप देख रहे हैं ये इस टाइम चक्की पे फ्लावर पॉट बना रहे हैं अंकल जी। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं डीपीएस के बच्चे, तो इनसे भी थोड़ा बात करते हैं, इन्होंने कभी देखा है। तो बेटा पहले आप बताइए अपना नाम
किस क्लास में है? सर, मेरा नाम फैजा नबी है, मैं 10th ए में पढ़ती हूँ। एंड ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स सर ने एक फ्लावर पॉट बनाया है। बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है इससे, लेकिन ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स ये बनाया गया है। ये हमारा कल्चर है कश्मीर का। एंड खासकर आप देख रहे हैं तो अंकल जी को आज यहाँ पे बुलाए, खासकर DPS इंतजामिया ने बहुत बढ़िया है। ऐसे ही बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कराए इन चीजों से, खासकर जो हमारा मेन कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए खासकर स्कूल में। जी ऐसा तो होना चाहिए, एटलीस्ट कश्मीरी कल्चर DPS बारामला में जैसे दिखाया गया है वैसे ही बाकी स्कूल्स में कश्मीर में दिखाया जाना चाहिए। चलो, क्या मैसेज रहेगी खासकर? बस इन्वॉल्व हो जाओ अपने कल्चर में स्टूडेंट्स, और कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सीखना चाहिए। ज्यादातर कश्मीरी कल्चर को अगर आप आगे लेना चाहोगे तो कश्मीर बहुत ज्यादा आगे जाएगा। चलो माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो बेटा बताओ कैसा लगा आज इस कैंप में? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। तो मम्मी पापा से आप दूर हैं? मत आ रही है मम्मी? सच्ची में? सच्ची में सर, इतनी एंजॉयमेंट है तो याद कैसे आएगी? याद कैसे आएगी? क्या क्या इधर एंजॉय किया आपने? हमने हर एक चीज एंजॉय की। खास क्या क्या आपने देखा इधर, खास कोई चीज? खास मैंने जिप लाइन देखी और स्विमिंग पूल। खाना कैसा मिला पहले इतना? खाना सच बताओ, घर से बढ़िया? घर से बढ़िया, टेस्टी खाना था? घर में तो आप नखरे करते हैं ये अच्छा खाना नहीं, वो नहीं, यहाँ कैसा मिला? यहाँ तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मिला। तो साल में एक कैंप लगना चाहिए। क्या नाम है? शाहिक। बोलो बेटा। मोहम्मद हुज़ैफ। आपका? इरान। आपका? ज़ाहिद। किस क्लास में आप सभी? थर्ड सी में सभी? यस सर। फ्रेंड्स? यस सर। चलो माशाल्लाह बढ़िया। तो इधर क्या क्या देखा आपने, इधर तो बताओ। कछुआ देखा है कभी? कछुआ देखा है कभी? यस सर। ये कछुआ पहली बार देख रहे हैं? यस सर। तो बढ़िया। खाना कैसा मिला? अच्छा। माय नेम इज रुतबा बशीर और मैं DPS स्कूल में पढ़ी हूँ, DPS बारामूला, एंड आई स्टडी इन क्लास 9। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो कैंप है, मतलब ऐसा होना चाहिए हर साल, ऐसा मजा जरूर होना चाहिए, बिकॉज बच्चे जो है इससे बहुत कुछ सीखते हैं। इससे हम लोगों ने हॉस्टल लाइफ के बारे में सीखा है, एंड प्लस इससे हम लोगों को और भी बहुत कुछ जो दुनिया में बाहर हो रहा है वो सभी हम लोगों को पता चल रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि हम लोग जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं, तो इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे उनको पता चलता है कि यस देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। तो इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्कूल टू हेल्ड द कैंप, क्योंकि इसमें सब चीज़ों को इन्वॉल्व करना पड़ता है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आनी पड़ती है, प्लस बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, तो इट इज़ वेरी हार्ड। बट हमारे स्कूल ने कर दिखाया, हमारे स्कूल ने दिखा दिया कि DPS इज द बेस्ट एंड DPS विल ऑलवेज रिमेन द बेस्ट। थैंक यू। चाहती हूँ कि वैली में बाकी स्कूल जो है वहाँ पे भी ऐसे फंक्शन जो है वो हो, ताकि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी करें, और सर ये कि DPS आगे ऐसे कैंप्स करता रहे और स्टूडेंट को मौका देता रहे कि वो अपनी लाइफ फुली एंजॉय कर सके, और DPS इज द बेस्ट। इन लोगों ने इससे पहले भी कैंप ऑर्गेनाइज किया था जो बिल्कुल बढ़िया था, और इस साल का भी बहुत बढ़िया है, एंड आई होप कि आगे भी करते रहेंगे। यहाँ तो हर साल एग्जीबिशन लगते हैं, बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, मेला भी लगता है, बहुत सारे DPS हमें बहुत सारा एक्सप्लोर कराते हैं। आयशा फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, एंड टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट माई टू शेयर माई ओपिनियंस ऑन द सेंट्रो STO सेकेंड बींग हेल्ड इन द DPS कैंपस, एंड इन माई ओपिनियन आई थिंक दैट इट हेल्प्स किड्स टू डिसकनेक्ट विद द गैजेट्स एंड रिकनेक्ट विद द नेचर एंड द नेचुरल एनवायरमेंट, एंड we all enjoyed the various activities that different activities that we held by the DPS members, so yeah, it was a really great experience. Thank you. Shalom. Yeah, Madhya Bani from grade 9, and I'm a participant of Central West 2 second, and I don't regret participating in it, as it was it was full of amusement and we had so much fun. It was just so glorious that there were so many co-curricular activities that we could take a part in. It was so fun. We had a lot of fun in these days. Thank you. Shialo. I share. तो कैसा लगा कैंप में? आज कैंप चल रहा है DPS स्कूल का। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।
खाना पीना कैसा मिला? बहुत अच्छा और टेस्टी। टेस्टी मिला? तो आज आप मम्मी पापा से दूर है तो याद बता रही है? नहीं। ना सच बताओ आज? जी बहुत। फिर वो देखेंगे ना घर में, जब हम वीडियो चढ़ाएंगे तो उस टाइम देखेंगे। आपने बोला हमें याद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया घर से भी। तो ऐसा कैंप लगना चाहिए स्कूल में। हाँ। तो डीपीएस कैसा स्कूल है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। कौन कौन से कैंप इधर रखते हैं? एक साल एग्जीबिशन भी हुआ था, उसमें कैसा मजा आया? बहुत अच्छा था। तो ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए स्कूल में। हाँ। बिल्कुल। हाँ। आप खुश हो? हाँ। एंजॉय किया? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। चलो खुश। ये जो स्कूल कैंप जो डीपीएस बारामूला ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसको हम सेंट्रो एसटीओ सेकंड कहते हैं, इसमें हम देखते हैं कि बच्चे कैसे दिन भर, जिसको हम अंग्रेजी में बोले कि वॉक इन एयर करते हैं, हिसाब से दिन भर यहाँ बच्चे देखते हैं कैसे एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ सब कुछ ए टू ज़ेड, पूल से लेकर मिकी माउस से लेकर जंपिंग के लिए, बच्चे को एक नया एक्सपीरियंस मिलता है जिससे वो सीखता है कि बाहर की लाइफ कैसी होती है। उसको एक मैं कहता हूँ ऑडियल मिल जाता है जिंदगी का, कि उसको बड़े होकर क्या करना है। ये कैंप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे सीखते हैं कि बड़े होकर इंसान को क्या करना है, कैसा बनना है, बड़े होकर कितने स्ट्रगल्स, कितना हसल करना पड़ता है इंसान को। तो ऐसा कैंप लगना चाहिए साल में एक बार? साल में एक बार जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। कम से कम एक बार। तो आप मतलब साल भर पढ़ाई करते हैं तो साल में एक बार ऐसा कैंप लगे तो फिर बहुत बढ़िया रहे। बहुत बढ़िया, क्योंकि साल भर बच्चे को टेंशन होती है पढ़ाई की, कम मार्क्स आ जाएंगे, ये होगा वो होगा। कैंप जो लोग सबसे स्ट्रेस रिलीव करता है, कैंप से इंसान को लगता है कि नहीं कैंप है, इंसान एंजॉय करेगा फ्रेंड्स के साथ, एक नया सर्कल बनाएगा। साल तो हम ऐसे भी पढ़ाई में चला जाता है। अच्छा खाना पीना कैसा मिला? खाना पीना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मिला। सब घर से बढ़िया, बहुत अच्छा मिला। तो बेटा बोलो कैसा लगा आज इस कैंप में? अच्छा। अच्छा खाना कैसा मिला? अच्छा। बढ़िया। खुश हो? खुश हो? मम्मी पापा की मत याद आ रही है? बिल्कुल खुश हो, एकदम बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा कैसा लगा कैंप में आज? अच्छा। अच्छा बहुत अच्छा कि ज्यादा अच्छा? ज्यादा अच्छा। ज्यादा अच्छा एंजॉय किया आज यहाँ पे? हाँ। खाना कैसा मिला? बहुत अच्छा। सुबह कितने बजे उठे नींद से? कितने बजे? अच्छा 6 बजे। एक्सरसाइज की? हाँ। मिला? कितना अच्छा एंजॉय किया यहाँ पे? हाँ। तो ऐसा कैंप लगना चाहिए एक बार? हाँ। बिल्कुल। तो बेटा बोलो कैसा कैंप रहा आज? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ। याद मत आएगी फिर से? बहुत ज्यादा आएगी। खाना कैसा मिला इधर? बहुत अच्छा। नींद आई ठीक से? हाँ। सुबह मत जल्दी जगाते थे? नहीं। अच्छा, वो हमारा परफेक्ट टाइम था। बिल्कुल खुश हो? हाँ, बहुत। तो अगले साल लगना चाहिए? बिल्कुल बहुत। सर थोड़ा सा आप बताइए कैंप के रिलेटेड। हमारे डीपीएस सोसाइटी की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, हम पर्सनालिटी के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो, मेंटेलिटी मैच्योर हो, मेंटल मैच्योरिटी बच्चे को मिले, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी मिले। और जब हम डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मैच्योरिटीज की बात करते हैं तो ये क्लासरूम के अंदर पॉसिबल नहीं है। क्लासरूम के अंदर हम बच्चों का जो इंटेलेक्ट है उसको हम शार्पन कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी मेंटल मैच्योरिटी है, जो ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू हम जो ट्रेनिंग, जो एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं बच्चों की पर्सनैलिटी में हम भरते हैं, वो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कैंप एक्टिविटीज है, ग्राउंड एक्टिविटीज है, म्यूजिक है, डांस है, तो सबका अपना अपना एक टारगेटेड पर्पस है। तो जब हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम करते हैं, और जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अकॉर्डेंस में भी हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को फोकस करना चाहिए। तो ऐसे में बच्चे जब अपने पेरेंट्स से अपने टीचर्स के साथ रहते हैं तो एक तो इमोशनल बॉन्ड दोनों का स्ट्रांग होता है, टीचर और बच्चों के बीच में कोई मेंटल लेवल पे बैरियर नहीं रहता, एक साथ खाना, एक साथ बैठना, एक साथ सोना, तो एक टीचर और बच्चों के बीच में जो बन जाता है उसका फायदा बच्चों को भी मिलता है,
आगे जब हम टीचिंग लर्निंग स्टार्ट करते हैं, बच्चे जब स्कूल आते हैं, तो स्कूल तो अपने आप में एक कंप्लीट लाइफ है। कंप्लीट लाइफ का मतलब बच्चों की पूरी पर्सनैलिटी का जो देखभाल है वो होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ इस एक्टिविटी से, कुछ इस तरह की एक्टिविटी से, कुछ ऐसे काम से, कुछ इस इनिशिएटिव से, तो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, एफर्ट्स हैं, और सबका पर्पस होता है मल्टी डायमेंशनल डिवेलपमेंट, कैसे बच्चे की पर्सनैलिटी को मिलेगा। इसके बाद बच्चे जब अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, अपने आप को संभालना होता है, तो जो सेल्फ रिलायंस का सेंस है वो हम अर्ली एज से डेवलप करना चाहते हैं। आपने सुना होगा कई सारे पेरेंट्स 11, 12 के बाद नीट के लिए बाहर भेजते हैं, कोचिंग के लिए, जेई के लिए बाहर भेजते हैं। कई बार पता चलता है कि बच्चे गए और ओनली आफ्टर 15 डेज दे डिवेलप मोनोटोनस इमोशंस एंड दे वांट टू गेट बैक। तो अब जब बच्चे अपने पेरेंट्स से बाहर अलग कभी रहे ही नहीं, तो उनकी पर्सनैलिटी में ये जो चीज है, ये जो खासियत है, ये जो स्ट्रेंथ है, तो इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो इन चीजों को क्रिएट करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक मेगा प्लेटफॉर्म है। हमारे पास 700 बच्चे हैं और ये टू नाइट थ्री डेज का कैंप है। तो इसमें डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटी जब हम इन हाउस वे में कराते हैं तो बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, एक साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है उसमें मजबूती आती है। जरूरी है ये भी सोचना हमारे लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे कश्मीर के अंदर, इनको एंटरटेनमेंट के लिए, को मिंगलिंग के लिए, सोशलाइज करने के लिए उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिलती। यहाँ कोई म्यूजियम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ यदि बच्चों को आप एक बर्ड के बारे में बताना चाहें, जैसे हमने हमारे बर्ड्स भी है, हमारे पास रैबिट्स भी है, तो ये जब तक बच्चे देखते नहीं है सीखते नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक प्लेटफॉर्म पे हमने लाके रखा है, एडवेंचरस एक्टिविटीज भी है, एम्यूजमेंट भी है। तो हमारा पर्पस बच्चों को एंटरटेन भी करना है, बच्चों को एजुकेट भी करना है और मैच्योरिटी भी इम्पार्ट करना है। बिल्कुल। और खासकर बच्चों को मोबाइल से भी दूर रखना है। मोबाइल तो वो तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है बच्चों के लिए। मोबाइल में जो उन्हें मिलता है उससे मोर ल्यूक्रेटिव, मोर अट्रैक्टिव यदि और कहीं मिल जाए, मोबाइल से जो आपकी नजरों को या जो आपके दिमाग को जो खुराक मिलती है वो खुराक कहीं और से आपको मिले, तो ऑब्वियसली मोबाइल से आप कट जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो।